ना ट्रैफिक जाम करें ना कुछ और करें। रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो आइए ना देख सकते हैं, इसके बाद करते हैं। 3 अप्रैल 2018
दोबारा को जो एक अफगानिस्तान में कंदूज में जो एक वाक्या पेश आया जिसमें हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो है काफ़ी कुरान बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए बम्बारी की सूरत में, आए इन बच्चों से उनका मौके लेते हैं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں۔ یہاں شارع فیصل پر اس وقت طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد مختلف مدارس سے جمع ہے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، جو ثانیہ قندوز افغانستان کے اندر وہ طلبہ جو ایک سال سے لگاتار مسلسل گھر سے باہر قرآن مجید حفظ کر رہے تھے، اور جب ان کا سال کا اختتام تھا اور قرآن مجید حفظ کرنا ان کا مکمل ہوا اور آخری ان کی پاس آؤٹ تقریب تھی، اور اس سرمنی کے اندر لاسٹ سرمنی کے اندر ان طلبہ کو شہید کر دیا گیا، اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف کہ ان بچوں کی مائیں ایک سال تک اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی رہی کہ ان کے لخت جگر قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو سینوں میں محفوظ کر کے جب ایک سال بعد واپس آئیں گے تو وہ ان کے اپنے بچوں کو سینوں کے ساتھ لگائیں گی، لیکن ظلم کی انتہا کہ ان کو اس دن کہ جس دن ان کی خوشی کا دن تھا اس دن ان کو نیند کی، ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا، اور انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کو یہ شہید کیا گیا۔ تو اس کے لیے طلبہ یہاں احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ان کے ساتھ اور یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ نہ اس میں کوئی ڈنڈا ہے نہ لاٹھی ہے، عالمی عدالت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح تمام
मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या किसी किस्म का, कि ये इस एहतजाज को बुलंद करें कि अगर अगर अंग्रेज़ और गोरों का अगर कुत्ता भी किसी स्कूल में मर जाता तो उसके ये पूरे का पूरा मीडिया हर चीज़ को सर पे उठा देते, लेकिन मासूम फूलों को, मासूम कलियों को फूल बनने से पहले ही मसल कर दिया गया और लेकिन उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ये तलबा इस उम्मत मरहुमा को बेदार करने के लिए, जगाने के लिए रोडों पे निकले हैं कि उम्मत मुस्लिमा कब तुम बेदार होगे, कब तुम जागोगे, कब तुम जो है इस नींद गफलत से उठोगे और एक आवाज़ बनकर पूरी उम्मत को जगाने की कोशिश करोगे। तो उस उम्मत को जगाने के लिए ये पूरी की पूरी कौम सामने यहाँ रोडों पे खड़ी है ताकि जो है इस एहतजाज में शरीक हो सके। और भी करूँ अच्छा ठीक है सही है। अपना ऑफिस ये जो पफलेट पड़े हुए हैं ये तकसीम करें, ये वाले पफलेट लें जैद भाई से रोडों में खड़े। बताया होगा आपको अजमत ने, अजमत ने आपको बताया। बच्चा मांग रहे हो कि सिर्फ दो अल्फाज ये के हैं, कुछ छोटा बच्चा हो कि क्या वो जो हमला जिन पे किया गया क्या वो इंटेलिजेंस है या वहाँ से बारूद कुछ। इधर आओ भाई छोटे मोहम्मद, अच्छा इसको हो गया, इधर आ जाओ मोहम्मद, इसका भी हो गया। कहाँ इस्माइल कहाँ है, एहतिशाम तो भाई इधर आओ, छोटा उमर, अहमद 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 को बुलाओ इधर, आ जाओ तक इधर आओ, तुम आओ इस तालिब इलम को कहीं ये कह देगा जो आप कहना चाह रहे थे उसको कहीं ये कह। अच्छा ठीक है सर, सुनो भाई उसे क्या कह रहे हैं, ये अल्फाज याद करो फिर मैं तुमसे यही करवाता हूँ। ये तलबा तमाम यहाँ एहतजाज के लिए जमा है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सर आप भी कुछ कहोगे तो कि भाई क्या उन तलबा के पास कोई बारूद था, क्या उनके पास कोई टैंक था, वो कौन से दहशतगर्द थे, क्यों को शहीद किया गया? हाँ क्या उन तलबा के पास कोई बम था या बारूद था, उनको क्यों शहीद किया गया? हम इसलिए एहतजाज करने आए हैं कि कल उन पर हमला हुआ, आज हम पर भी हो सकता है, तुम अपने हुक्मरानों को जिंदा करने आए हैं और उम्मत को बेदार उम्मत को बेदार करने आए हैं। दिखावा करना एक होते सच्चे दिल से, आप लोग अगर ईमान से ईमान का जज्बा थोड़ा सा भी आपके दिलों में है तो इन चीज़ों में हमारा साथ दो। पार्टी सियासत अपनी जगह पे, ये बच्चे इसलिए जमा हुए कि हमें क्यों इस तरह, आखिर एक हमला नहीं है, इस तरह ये 100 बच्चों को मारा जाता है, लेकिन कब आखिर हम कब तक ये होते रहेंगे, लिहाजा
आप लेके तकसीम करो ना गाड़ी में, ठीक है थोड़ा ज़्यादा देर में, थोड़ा ज़्यादा देर में Thank you.
दुआ करके शाबाश, दुआ करके उठेंगे शाबाश, बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे, कोई भी खड़ा ना रहे, कतरों गिरो घाट की तरफ करो, बस चलते हैं अभी। बेटा इसको चले भाई मदरसा तलवार फकीरा वाले बसों में बैठे शामिल कर रहे हैं, बैठ क्या गए, गाड़ी आ गई है, मदरसा तलवार फकीरा वाले गाड़ी में बैठे हैं, शाबाश शाबाश। इन बच्चों का कौन है फिर ना, मालूम क्यों, कौन है ना मसूद, कौन है ना मसूद, Thank you.